हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबुत मूंग के लड्डू जो हाई प्रोटीन फाइबर आयरन से भरे हुए होंगे और जो बहुत थोड़ी सी मेहनत और कुछ सामग्री से सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे जो आपको खा के मजा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीला। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग विद शीला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ साबुत मूंग के लड्डू जो बहुत ही टेस्टी होंगे और हेल्दी भी होंगे और बनने में बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। मूंग लड्डू बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लेंगे 1 केजी मूंग। साफ की हुई अच्छी से देखी हुई मूंग है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे। धोकर फ्रेंड्स हम इसको ओवरनाइट के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हमको अच्छे से फुलाना है तो पूरी रात के लिए छोड़िएगा तो ज़्यादा बेटर है। अब हमारी मूंग फूल कर रेडी हो चुकी, देखे कितनी अच्छी फूली, बहुत अच्छी मूंग। तो हमने इसको क्या किया, एक टोकरी में, छेदार टोकरी में रख दिया इसको निकाल कर, क्योंकि इसका पानी नहीं होना चाहिए, पानी पूरी तरह निकल जाना चाहिए। और अब एक मिक्सी जार लेंगे हम, उसमें डालकर पूरी मूंग का पेस्ट बना लेंगे। पानी डालकर ध्यान दीजिएगा नहीं पीसना, मैं पानी एक बूंद भी नहीं यूज किया है, बिना पानी के पीसा है। अब हम आगे का क्या करेंगे, दाल रख देंगे, एक कढ़ाई लेंगे। अगर आपके पास मावा है तो ज़रूर डालिए, इससे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने मीडियम आंच पे मावे को थोड़ा सा भून लेना है। मावा भूनकर रेडी हो गया, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम एक कढ़ाई में घी लेंगे, 100 ग्राम घी होगा। तो हम कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे, आप अपनी पसंद से डाल सकते हो। हम सबसे पहले इसमें किशमिश भूनेंगे। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा घी में तलने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका, तो ज़रूर तलिएगा। तो पहले हम किशमिश डाल के इनको भून लेंगे और अब बादाम डालेंगे। तो आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो डाल सकते हो। हमने तो काजू, किशमिश, बादाम और चिरौंजी यही लिया है। जब बादाम थोड़ा सा पक जाएंगे तो काजू भी डाल देंगे, क्योंकि काजू ज़्यादा जल्दी पकते हैं, उनमें कलर ज़्यादा जल्दी आता है। तो हमको इनको ज़्यादा कलर नहीं लाना, बस हल्का सा पका लेना, पकाकर हम निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में भी थोड़ा सा कलर आता है इसमें। तो अभी हमारे फ्रूट पक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, उससे बाद हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि हम साबुत मूंग छिलके के साथ बना रहे हैं और घी में बना रहे हैं, कोई भी अनहेल्दी चीज़ इनमें नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम उसी घी में जितना हम दाल का पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे और मीडियम आंच में इसको चलाते हुए भूनेंगे। हमको इसको छोड़ना नहीं है, एक साथ चलाते रहना है, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो लग जाएगी, फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए इसको चलाकर हमको पकाते रहना है। और घी अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बाद में बिल्कुल नहीं दिखेगा कुछ, क्योंकि दाल हमको भूननी है तो कुछ ना कुछ तो घी डालना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए हम चलाते हुए ऐसा आ गया, अब ये हम भून चुकी हमारी दाल। तो अभी इसको हम क्या करना, जो हल्की हल्की गुठलियाँ हैं दाल की उसको ऐसे रगड़ देना है, तो ये मिक्स हो जाएंगी। दाल चलाते चलाते जो पेस्ट से बिल्कुल देखिए पाउडर में आ गई है, तो हमको बस इतनी ही भूननी, इससे ज़्यादा नहीं भूननी। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी हमने गरी का लच्छा लिया है, जो गरी का लच्छा आता है वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप घर में गरी को कद्दूकस करके उसको डाल दीजिए। तो अब हम इसको इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि गरी हमको घी में इसलिए नहीं भूना कि कलर काला आ जाएगा और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। तो हम दाल के साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे। अब दाल हमारी भून चुकी है, अब हम इसको एक परात में ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गर्म दाल हमको नहीं यूज करनी है, बहुत हल्की सी गर्म गुनगुनी होनी चाहिए बस। अब हम इसमें 700 ग्राम चीनी लिया है, 700 से 800 ग्राम रही होगी चीनी लिया है, और इसको हम दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जो गुठलियाँ आएंगी हाथ से उनको फोड़ते जाएंगे, देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। और अब मावा भी मिक्स कर देंगे, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर मिक्स करेंगे
और जो ड्राई फ्रूट हमने भून कर रखे थे उनको मिक्स कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमको हाथ से ही मिक्स करना है, तभी अच्छा मिक्स होगा। तो हमको चलाते हुए अच्छे से हाथ से हम इसको दबा दबा कर मिक्स कर देंगे। तो देखिए अभी हमने पूरे सामान को एक में मिक्स करके इकट्ठे कर दिया। देखिए हाथ से अगर बांध रहे हैं तो लड्डू अच्छे से बंध रहे हैं, अगर आपके नहीं बंध रहे हैं तो हल्का सा नॉर्मल दूध जो है पका हुआ ठंडा दूध रूम टेम्परेचर का, उसको आप हल्के से छींटे मार दीजिएगा और मार कर बांध लीजिएगा, या फिर आप 2-3 चम्मच घी गरम कर कर इसमें डाल दीजिएगा, उससे भी आप बांध सकते हो। तो जो आपकी पसंद घी या दूध किसी से भी बांध सकते हो। और देखिए बहुत ही जी स्वाद से भरपूर झटपट तैयार होने वाले लड्डू। आप जैसे आपको मूंग की दाल का हलवा पसंद है उससे कहीं ज़्यादा ये लड्डू आपको पसंद आएंगे। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू बनकर हमारे तैयार हुए हैं। तो तैयार है हमारे सुपर टेस्टी हेल्दी मूंग के लड्डू, इन्हें एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं ये और खाकर आपको मज़ा आने वाला है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते अगली डिश के साथ।